बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एमसीक्यू ब्रांड ऑफिशियल। इस वीडियो में हम आपके साथ अप्रैल के दूसरे हफ्ते के 30 अहम तरीन पाकिस्तान और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की डिटेल एमसीक्यूज शेयर करेंगे। पीडीएफ फाइल की डाउनलोड लिंक आपके साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी गई है, पर पीडीएफ फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड और पासवर्ड आपको इसी वीडियो में उस वीडियो को टेल एंड तक देगी। सेकेंड वीक के साथ फर्स्ट वीक की फाइल भी प्रोवाइड कर दी गई है, जिसका पासवर्ड भी आपको इसी वीडियो में मिलेगा। पहले सेकेंड वीक का पासवर्ड आपको इस वीडियो में शो किया जाएगा, उसके बाद फर्स्ट वीक का पासवर्ड इस वीडियो में शो किया जाएगा। यानी कि पहला जो पासवर्ड आएगा वो सेकेंड वीक की फाइल को एक्सेस करने के लिए होगा, और दूसरा जो पासवर्ड आएगा वो फर्स्ट वीक की फाइल को एक्सेस करने के लिए होगा। बिल्किस ईदी डाइड ऑन डैश इन कराची ड्यू टू कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर। बिल्किस ईदी जो कि फिलैंथ्रोपिस्ट थी, यानी कि वो फ्लाई वर्कर थी, ह्यूमन राइट्स वर्कर थी, और जिन्हें मदर ऑफ ऑर्फेंस भी कहा जाता था, वो अब्दुस्सत्तार ईदी की बीवी थी जो कि उनके मरने के बाद बेवा हो गई थी। तो वो कब इंतकाल कर गई कराची में, ड्यू टू कॉन्गेस्टिव हार्ट फेलियर, यानी कि उनके हार्ट का मसला काफ़ी टाइम से जारी था। गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन डी 15 अप्रैल 2022 को वो इस जान फानी से रुखसत हुई 74 साल की उम्र में। बिल्किस ईदी को मेवा शाह ग्रेव यार्ड यानी कि मेवा शाह कब्रिस्तान में उनको दफन किया गया, और इनकी नमाज जनाजा मैमून मस्जिद करादार में अदा की गई सिंध में। हु इज़ द करंट इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल ब्रांड न्यू, किसी भी न्यूज़ में इसको अभी तक शेयर नहीं किया गया, हमारी वेबसाइट पर इसको आपके साथ शेयर किया गया है। कौन है मौजूदा वजीर दाखिला पाकिस्तान के? इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन है राना सनाउल्ला। राना सनाउल्ला से पहले शेख रशीद अहमद थे। राना सनाउल्ला 39वें इंटीरियर मिनिस्टर है पाकिस्तान के फ्रॉम 15 अप्रैल 2022। वो इससे पहले यानी कि वो करंटली नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान के मेंबर भी है सिंस 2018, और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब के प्रेसिडेंट हैं 4 मई 2019 से। हुई द करंट स्पीकर ऑफ पाकिस्तान नेशनल असेंबली। कौन है मौजूदा स्पीकर पाकिस्तान नेशनल असेंबली के? ऑप्शन है राजा परवेज अशरफ। ये जितने भी डेवलपमेंट्स हैं रिलेटेड टू पाकिस्तान, हमारी अपकमिंग फाइल आएगी बहुत जल्द, हु इज़ हु इन पाकिस्तान अपडेटेड अप्रैल 2022 में, जिसमें पाकिस्तान के तमाम इंस्टीट्यूशनल जो हेड हैं, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली से रिलेटेड, पाकिस्तान की चीफ जस्टिस, आईजीज, इन तमाम को कवर किया जाएगा। सो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। राजा परवेज अशरफ करंट स्पीकर हैं नेशनल असेंबली के। राजा परवेज अशरफ 16 अप्रैल 2022 को अनअपोज्ड यानी कि उनके खिलाफ कोई वोट न डाला गया, यानी कि जो पीटीआई के जो अरकान थे उन्होंने वॉकआउट किया असेंबली से, और वो 22nd स्पीकर है पाकिस्तान नेशनल असेंबली के। इससे पहले असद कैसर थे 21st स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली। हु इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। कौन है मौजूदा चीफ मिनिस्टर पंजाब के? इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन सी हमजा शाहबाज शरीफ। हमजा शाहबाज शरीफ को 16 अप्रैल 2022 को न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब मंतखब किया गया, और वो पंजाब असेंबली यानी कि पंजाब प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर हैं अगस्त 2018 से। उन्होंने 197 वोट्स हासिल किए, इनके खिलाफ कोई वोट नहीं डाला गया। व्हेन इज़ द वर्ल्ड आर्ट डे ऑब्जर्व एवरी ईयर। कब हर साल वर्ल्ड आर्ट डे ऑब्जर्व किया जाता है? इनके उन ऑप्शन में से ऑप्शन डी 17 अप्रैल एवरी ईयर वर्ल्ड आर्ट डे ग्लोबली सेलिब्रेट किया जाता है। इसको सेलिब्रेट करने का मकसद टू एम्फेसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ आर्ट दैट न्यूरेट्स क्रिएटिविटी इनोवेशन एंड कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर द पीपल अक्रॉस द ग्लोब। वर्ल्ड आर्ट डे को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट जो कि एनजीओ है, उन्होंने यूनेस्को की पार्टनरशिप से इस दिन को 15 अप्रैल 2012 में फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया। और बेसिकली इस डेट को क्यों चूज़ किया गया? सो इन ऑनर ऑफ द बर्थडे ऑफ लियोनार्डो डा विंची, जो कि मशहूर पेंटिंग मोनालिसा के पेंटर हैं। आप यहाँ पर दो मज़ीद इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स का पता चला। लियोनार्डो डा विंची, इनकी बर्थडे यानी कि ये कब पैदा हुए? 15 अप्रैल को। और उन्होंने कौन सी पेंटिंग बनाई? मोनालिसा के पेंटर कौन है? लियोनार्डो डा विंची। DCP has announced first phase of local body poll to be held in Punjab on Election Commission of Pakistan ने अभी हाल ही में ये ऐलान किया है पंजाब के first phase of local body polls का, यानी कि ये कब पंजाब में कराए जाएंगे। इनके वन ऑप्शन में से ऑप्शन बी
June 9, 2022 को पंजाब में फर्स्ट फेज ऑफ लोकल बॉडी इलेक्शंस कराए जाएंगे। विनय जगेम प्राइम मिनिस्टर सरदार अब्दुल कयूम नियाजी टेंडर हिज रेजिग्नेशन फ्रॉम हिज ऑफिस। प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम नियाजी के खिलाफ उन्हीं के पार्टी मेंबर्स यानी कि पीटीआई के मेंबर्स की जानिब से अदम एतमाद तहरीक पेश की गई। अदम एतमाद तहरीक तो नहीं कराई गई, यानी कि उससे पहले ही प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफ़ा दे दिया। सो कब प्राइम मिनिस्टर सरदार अब्दुल कयूम नियाजी ने इस्तीफ़ा दिया? गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन बी 14 अप्रैल 2022 को उन्होंने अपना इस्तीफ़ा पेश किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबर्स थे उन्होंने इनके ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सबमिट कराया और वो सपोर्ट कर रहे थे प्रेसिडेंट सरदार तनवीर इलियास को। सो यहाँ पर एक नदर पॉइंट का पता चलता है कि न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ एजे सरदार तनवीर इलियास हो सकते हैं। लेकिन कोई भी डेवलपमेंट होती है इन करंट टाइम्स में से तो हम अप्रैल के लास्ट वीक में न्यू वीडियो क्रिएट करेंगे हु इज़ इन पाकिस्तान, जिसमें इन तमाम अपडेट्स को कवर किया जाएगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मैस्कॉट ऑफ कतर फीफा वर्ल्ड कप 2022? क्या नाम है कतर फीफा वर्ल्ड कप 2022 के मैस्कॉट का? इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन बी लैब। लैब ये कतर का ट्रेडिशनल मैस्कॉट है और ये नाम है कतर फीफा वर्ल्ड कप 2022 के ऑफिशियल मैस्कॉट का, जिसका मतलब है सुपर स्किल्ड प्लेयर इन अरेबिक। व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस? श्रीलंका तकरीबन बैंकक्रप्ट हो चुका है। सो श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस के पीछे क्या वजूहत हैं? गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन डी शॉर्टेज ऑफ फॉरेन करेंसी। श्रीलंका के पास फॉरेन रिजर्व्स नहीं है, फॉरेन करेंसी नहीं है, जिसकी वजह से वो फॉरेन मालिक के साथ ट्रेड नहीं कर पाता, और जब वो ट्रेड नहीं कर पाएगा यानी कि श्रीलंका के पास इम्पोर्ट करने के लिए पैसे नहीं हैं, पैसे नहीं होंगे तो मुल्क में गुर्बत आएगी और आपकी कंट्री जो है वो बैंकक्रप्ट हो जाएगी, और श्रीलंका तकरीबन बैंकक्रप्ट हो चुकी है। शहबाज शरीफ इलेक्टेड एज डेज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। शहबाज शरीफ न्यू प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के। सो वो कौन से वजीर आजम है पाकिस्तान के? इनके वन ऑप्शन में से ऑप्शन बी 23rd प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने 11 अप्रैल 2022 को वो इलेक्ट हुए अनअपोस्ट, और उन्होंने 11 अप्रैल 2022 को ओथ लिया। यहाँ पर एक अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, उनका ओथ किसने लिया? चेयरमैन ऑफ द सेनेट सादिक संजरानी ने। वैसे ये ओथ लेना था प्रेसिडेंट ने आरिफ अलवी ने, लेकिन उनको मेडिकल लीव यानी कि उनकी सेहत की वजह से वो उनका ओथ नहीं ले पाए। सो सेनेट चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने उनका ओथ लिया। आप यहाँ पर ये भी बताते चले, वो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब भी रह चुके हैं 3 times और वो लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर भी हैं पंजाब के। विल लाहौर हाईकोर्ट रिलीज शहबाज शरीफ ऑन बेल इन मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस। मनी लॉन्ड्रिंग की बातें की जा रही थी, ये इवेंट पुराना है लेकिन अभी अप्रैल यानी कि शहबाज शरीफ से रिलेटेड है, इस वजह से इसको यहाँ पर ऐड किया गया है। सो कब लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में बेल पे रिहा किया था? इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन सी 14 अप्रैल 2021 को लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग केस में बेल के तौर पर यानी कि उनको जमानत दी थी। दिसंबर 2019 में नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने उनके 23 प्रॉपर्टीज़ को फ्रोज किया जो कि बिलोंग करते थे शहबाज एंड हिज सन यानी कि हमजा शहबाज शरीफ से। 28 सितंबर 2020 को नैब ने अरेस्ट किया शहबाज शरीफ को एट लाहौर हाई कोर्ट और इंडक्टेड हिम ऑन द चार्जेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, और इसके बाद जो है 14 अप्रैल 2021 को लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ को रिहा किया। हाउ लॉन्ग डिड इमरान खान सर्व एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? इमरान खान कितने अरसे तक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे? गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन सी 3 years 7 months and 23 days, और अगर मंथ्स के हिसाब से बात की जाए तो 43 months and 23 days, और अगर डेज के हिसाब से बात की जाए तो 1332 डे का इनका टेन्योर था, जो कि अगस्त 18, 2018 से शुरू हुआ और 10 अप्रैल 2022 को ख़त्म हुआ। Which country has recently reached a series of agreement with Qatar to facilitate the World Cup? हाल ही में गिवन ऑप्शन में से किस मुल्क ने कतर के साथ सीरीज ऑफ एग्रीमेंट्स पर वो पहुँचे हैं कि वो फैसिलिटेट करेंगे कतर को फीफा वर्ल्ड कप? इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन ए ईरान। ईरान किस चीज़ में कतर को फैसिलिटेट करेगा? इनक्रीज द नंबर ऑफ फ्लाइट्स यानी कि ट्रांसपोर्ट कॉपरेशन में। आपके यहाँ पर मैप में शो रहा है कि कतर जो है वो बेसिकली आईलैंड कंट्री है, और इसको ट्रांसपोर्ट यानी कि पोर्ट के थ्रू और फ्लाइट्स के थ्रू अगर कोई फैंस कतर फीफा वर्ल्ड कप आना चाहते हैं सो ईरान जो है उनको फैसिलिटेट करेगा। अप्रैल 11, 2022
एटली साइन गेज डील विद देश टू रिड्यूस रिलायंस ऑन रशिया। 11 अप्रैल 2022 को इटली ने किस मुल्क के साथ गैस डील साइन की, यानी कि एनर्जी सेक्टर में डील साइन की, कि वो अपनी जो रिलायंस है यानी कि इनका दारमदार जो रशिया की गैस पर है वो कम हो। इनके मन ऑप्शन में से ऑप्शन सी अल्जीरिया। यूक्रेन वॉर की वजह से जितनी भी यूरोपियन यूनियन कंट्रीज है वो रशिया पर अपना दारमदार कम करना चाहती है। सो इटालियन प्राइम मिनिस्टर मैरियो द्रैगी। एक अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, करंट इटालियन प्राइम मिनिस्टर कौन है, मैरियो द्रैगी, और करंट प्रेसिडेंट ऑफ अल्जीरिया कौन है, अब्दुल मजीद तेबोनी। और ये डील इन दोनों के दरमियान हुई 11 अप्रैल 2022 को। द बलूचिस्तान असेंबली ऑन डेश पास द होम बेस वर्कर बिल। कब बलूचिस्तान असेंबली ने होम बेस वर्कर बिल मंजूर कराया, इनके उन ऑप्शन में से ऑप्शन ए 11 अप्रैल 2022 को बलूचिस्तान प्रोवेंशियल असेंबली में ये बिल पास हुआ। और इस बिल को पास कराने का बेसिक मकसद प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ वुमेन एंड अदर पीपल इन्वॉल्व इन द कॉटेज इंडस्ट्री इन द प्रोविंस। और इसको किसने आगे फॉरवर्ड किया था, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ऑन लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डॉक्टर रुबाबा खान बुलीदी। ये बलूचिस्तान की लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर की सेक्रेटरी है, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी है। और इसी दिन बलूचिस्तान यूनिवर्सिटीज ड्राफ्ट बिल 2022 भी अडॉप्ट किया गया, जिसको मूव किया मिनिस्टर फॉर एजुकेशन मीर नसीबुल्ला मारी ने। सो यहाँ पर आपको अनदर पॉइंट मिला, मिनिस्टर फॉर एजुकेशन कौन है, मीर नसीबुल्ला। इन द नो कॉन्फिडेंस मोशन पास विद ए मेजोरिटी ऑफ 174 वोट्स आउट ऑफ 342 इन द नेशनल असेंबली अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। कब तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ, जिसमें 174 वोट्स डाले गए अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। और वैसे रिक्वायर्ड होते हैं 172 फॉर सक्सेस आर फॉर फेलियर। इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन ए 10 अप्रैल 2022 को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद तहरीक कामयाब हुई। यहाँ पर आपको एक नदर और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इमरान खान बिकम फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन पाकिस्तान्स हिस्ट्री टू हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस थ्रू ए नो कॉन्फिडेंस वोट। इससे पहले कोई भी वज़ीरे आज़म पाकिस्तान की हिस्ट्री में अपना ट्यूनोर नहीं कम्प्लीट कर पाया, लेकिन वो अदम एतमाद तहरीक से वज़ीरे आज़म के ओहदे से वो नहीं हटा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ऐसे पहले वज़ीरे आज़म है पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो कि अदम एतमाद तहरीक की वजह से अपने ओहदे से फारिग हुए। The Supreme Court with a dash vote ruled that Deputy Speaker ruling to dismiss the motion and the subsequent dissolution of the National Assembly were unconstitutional. Supreme Court में जब Deputy Speaker ने जो ruling दी थी कि जो no confidence motion है उसमें foreign conspiracy शामिल है, यानी कि foreign funding शामिल है, so Bilawal Bhutto chairman of Pakistan People's Party ये केस Supreme Court में लेके गए। सो जब इसकी सुनवाई हुई यानी कि इस केस पे जब वर्क हुआ तो कितने जजेस ने इसके हक में वोट डाला और कितने जजेस ने इसके खिलाफ वोट डाला। इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन सी 5-0, यानी कि किसी भी जज ने इसके खिलाफ वोट नहीं डाला। 5-रुकनी बेंच था जिसमें से पांचों के पांचों ने इस बात पे वर्किंग की कि जो कासिम सूरी ने किया है डिसॉल्वेशन ऑफ द नेशनल असेंबली ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और दोबारा से असेंबली को बहाल किया जाए और इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन किया जाए। 8 मार्च 2022 को अपोजिशन पार्टीज की जानिब से इमरान खान के खिलाफ नेशनल असेंबली में मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश किया गया, यानी कि उसको जमा किया गया। 3 अप्रैल 2022 को डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने उसको अनलिटरली डिसमिस कर दिया और इसमें बताया गया कि इसमें फॉरन इंटरफेरेंस शामिल है। विच कंट्री हैज़ बीन हिट बाई ट्रॉपिकल स्टॉर्म मेगी। इन गिवन ऑप्शन में से किस मुल्क को हिट किया है ट्रॉपिकल स्टॉर्म मेगी ने। इन गिवन ऑप्शन में से द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी फिलीपींस को हिट किया है ट्रॉपिकल स्टॉर्म मेगी ने। विच कंट्री विल होस्ट द 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स। कौन सा मुल्क मेजबानी करेगा 2026 के कॉमनवेल्थ गेम की। इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का स्टेट ऑफ विक्टोरिया मेजबानी करेगा कॉमनवेल्थ गेम्स की और ये गेम्स के लिए जाएंगे फरवरी 2026 में। What is the name of the newly discovered galaxy which may be the earliest and most distant galaxy ever discovered in April 2022? क्या नाम है उस न्यू गैलेक्सी का जो कि अभी हाल ही में उसको डिस्कवर किया गया है अप्रैल 2022 में
और ये बहुत पुरानी और बहुत दूर गैलेक्सी है जो कि एवर फाउंड हुई है। एंड गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन है HD1 आपके अपर स्क्रीन में शो रहा होगा। ये बहुत दूर और अर्लीस्ट पहले की गैलेक्सी है जिसको अभी अप्रैल 2022 में डिस्कवर्ड किया गया है और ये 13.5 बिलियन लाइट ईयर्स अवे है और इसको डिस्कवर्ड किया USA के एस्ट्रोनमर्स ने। UN स्पेशल एनवॉय हैंस ग्रुटबर्ग स्टार्टेड हिज फर्स्ट विजिट टू यमन रिबल हेल्ड कैपिटल ऑन। यूनाइटेड नेशन के स्पेशल एनवॉय हैंस ग्रुटबर्ग ने कब यमन की कैपिटल का पहला दौरा किया। एंड गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन बी अप्रैल 11, 2022 को उन्होंने यमन रेबल हेल्ड कैपिटल यानी कि हूती रेबल्स का उस पर कब्जा, इसलिए अब इस वर्ड को यूज़ किया गया है, उसका दौरा किया 11 अप्रैल 2022 को। और ये दौरा किस सिलसिले में था, अप्रैल 2 सीज फायर जो हुआ था यमन और सऊदी अरेबिया के दरमियान यानी कि जितने भी अरब स्टेट्स हैं उनके दरमियान। इस पर शायद अमल रमज़ान तक किया जाए, रमज़ान के बाद में भी सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की जाए। यूएन के जो स्पेशल एनवॉय हैं उनकी मुलाकात अंसरुल्ला जो कि हूती रेबल्स के लीडर हैं, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंसरुल्ला लीडर हैं हूती रेबल्स यमन के। जमात उद दावा GUD चीफ हाफिज मोहम्मद सईद वाज सेंटेंस्ड टू डेज ईयर इन जेल फॉर टेररिज्म। जमात उद दावा के चीफ हाफिज मोहम्मद सईद को कितने सालों के लिए जेल हुई है जब वो इन्वॉल्व आया है टेररिज्म में। गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन डी 33 ईयर्स की जेल इनको हुई है 8 अप्रैल 2022 को। पाकिस्तान स्पीकर नेशनल असेंबली असद केसर रिज़ाइन ऑन। अब पाकिस्तान के जो फॉर्मर स्पीकर थे उन्होंने कब नेशनल असेंबली से रिज़ाइन देंगे, उन ऑप्शन में से ऑप्शन ए 9 अप्रैल 2022 को। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट ब्लैक वुमेन जज कन्फर्म टू USA सुप्रीम कोर्ट। क्या नाम है पहली ब्लैक वुमेन जज का जो कि यूनाइटेड स्टेट की सुप्रीम कोर्ट में इंडक्ट हुई है। इनके उन ऑप्शन में से ऑप्शन सी कैथेंजी ब्राउन जैक्सन। कैथेंजी ब्राउन जैक्सन फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन है जो कि सर्व एज जस्टिस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट सुप्रीम कोर्ट 7 अप्रैल 2022 को। वो 5347 यानी कि उनके हक में 53 वोट्स डाले गए, सो वो अपॉइंट हुई और इसकी जो नॉमिनेशन थी वो प्रेसिडेंट जो बाइडन ने कन्फर्म की और वो रिप्लेस करेंगी रिटायरिंग सुप्रीम कोर्ट जस्टिस स्टीफन ब्रेयर को। द गरुड़ा शील्ड इज ए जॉइंट एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन। गरुड़ा शील्ड किन दो मुल्कों के दरमियान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है एनुअल। गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन डी इंडोनेशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इस एक्सरसाइजेज में अभी 14 मोर मिलिट्रीज जो हैं वो हिस्सा लेगी जिसमें ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया जापान जैसे ममालिक शामिल है और ये एक्सरसाइजेज जो हैं वो 1 अगस्त से लेकर 14 अगस्त 2022 तक इंडोनेशिया में जारी रहेंगे। The first round of France 2022 presidential election was held on। France के presidential election का पहला राउंड कब मुनाकिद हुआ। गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन बी 10 अप्रैल 2022 को। फर्स्ट राउंड को आप ऐसे एलिमिनेटर कह सकते हैं क्योंकि इसमें 7 कैंडिडेट्स ने हिस्सा लिया था और जो टॉप 2 कैंडिडेट्स होंगे वो सेकेंड राउंड यानी कि रन ऑफ राउंड में एक दूसरे के मध्य मुकाबले होंगे जो कि 24 अप्रैल 2022 को होगा। सो जो 2 कैंडिडेट्स फाइनल राउंड में पहुंचे हैं यानी कि सेकंड राउंड में, उसमें एमैनुएल मैक्रोन जो कि करंटली प्रेसिडेंट हैं फ्रांस के और उनका ताल्लुक ला रिपब्लिकी एंड मैर्ची पार्टी से है क्योंकि 2017 से उन्होंने इसी पार्टी से प्रेसिडेंटशिप की सीट जीती थी फ्रांस की। और उनके जो मेन अपोनेंट होंगी वो होगी मैरीना लेपेन जो कि लीडर है नेशनल रैली की और उनको डिफीट हुई थी 2017 में। From which UN body Russian membership was suspended on 7 April 2022, 7 अप्रैल 2022 को किस United Nation की body से Russian membership को ख़त्म किया गया। Given option में से option C UNHRC। Which organization launched the first fully private astronaut mission to this International Space Station। किस organization ने first fully private astronaut mission यानी कि ये total अपने अखराजात पे ये mission कराया जा रहा है to the International Space Station। इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन सी SpaceX और ये प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन है और इसको SpaceX ने कंडक्ट कराया है। SpaceX Falcon 9 रॉकेट EX-1 से इस मिशन को लॉन्च किया गया है और इसमें Axiom Space भी शामिल है, ये एक प्राइवेट कंपनी है। और इस मिशन में 4 क्रू मेंबर्स हैं और ये 10 दिन पर मुश्तमिल जर्नी होगी और इस कैप्सूल जिसमें वो जा रहे हैं उसका नाम है NDA War। Which country launched the Earth Observation Satellite Geofin 303। Geofin 3 इससे पहले चाइना लॉन्च कर चुका है।
ग्योफिन 303 जो कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट है, इसको किस मुल्क ने लॉन्च किया है? सो ऑप्शन सी चाइना। चाइना ने ग्योफिन 303 नामी अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट अभी हाल ही में लॉन्च किया है टू स्पेस स्टेशन।